डी स्टूडेंट, आज हम सिक्स सेमेस्टर का जूलॉजी का पेस्ट इंसेक्ट पेस्ट का आपका एक टॉपिक और पढ़ेंगे, जिसका नाम है आपका कॉटन जेसिड एम्पोस का डेवस्टेनिस का जो है आप साइंटिफिक नेम है। क्लास इसकी इंसेक्ट है, ऑर्डर हेमिप्टेरा है, फैमिली जो है इसका जेसिडी है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, ऑल ओवर आपका इंडिया मिलता है, मेनली जो आपका पंजाब हरियाणा महाराष्ट्र मिलता है। होस्ट प्लांट की बात आती है, होस्ट प्लांट जो है इसका कॉटन जो आपका होस्ट प्लांट होता है मेन। दूसरी जो आपकी मालवियस और सोलिनियस जो फैमिली हैं उनके प्लांट्स को भी जो आपका अफेक्ट करता है, जैसे कि आपका पोटैटो है, ब्रिंजल है, आपका भिंडी है। जनरल अपीयरेंस की बात आती है, जनरल अपीयरेंस जो है आपका इंसेक्ट जो है आपका रेड कलर आपका विंटर में शो होता है और ग्रीनिश येलो आपका समर में। इसका जो साइज है वो आपका 15 mm का होता है। हैबिट्स की बात करते हैं, ये नॉक्टुरल है और अट्रैक्ट होता है आपका लाइट की तरफ, प्रकाश की तरफ आपका अट्रैक्ट होता है। एंड दे कैन चेंज देयर बॉडी कलर सीजनली, जैसे हमने ऊपर आपका पढ़ा है, ये आपका विंटर में अलग कलर आता है और आपका समर में अलग। लाइफ साइकिल की बात करते हैं, कंप्लीट लाइफ साइकिल जो आपका 21 to 28 days में आपकी कंप्लीट हो जाती है। 1 year में आपकी लगभग जो आपकी 11 generations आपकी ऑब्जर्व की जाती हैं। लाइफ साइकिल में सबसे पहले आपका एग्स की बात आती है, फीमेल जो आपका एग्स ले आउट करेगी आपका टिश्यूज ऑफ मिड रिब्स, वेन्स या फिर आपका लीफ स्टॉक ऑफ द प्लांट के अंदर। एग्स जो हैं आपके फीमेल आपका सिंगल ही आपका लेड आउट करती है, और एक जो सिंगल फीमेल है वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल में आपका 50 eggs जो आपका ले आउट कर सकती है। निम्फ की बात आती है, सेकंड स्टेज है आपका इनक्यूबेशन, आपका एग्स जो आपका 4 to 11 days आपका एग्स हैच आउट हो जाते हैं आपके निम्फ के अंदर। और निम्फ जो है आपका सेल सैप आपका जो है सक करते हैं आपके प्लांट के टिश्यू से। निम्फ जो है आपका 5 molting शो करते हैं और एडल्ट में चेंज हो जाते हैं। लास्ट स्टेज आपकी अडल्ट की है, निम्फ जो है आपके विंग्स डेवलप कर लेते हैं और आपके जो है अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। डैमेज की बात आती है, जो मेन डैमेज है वो आपका निम्फ और एडल्ट दोनों आपका करते हैं। ये आपका जो है सेल का जो सैप है उसे आपका सक कर जाते हैं और जो टॉक्सिन्स आपके होते हैं वो इंजेक्ट करते हैं आपके प्लांट के अंदर, प्लांट के टिश्यू के अंदर, जिससे विल्टिंग शुरू हो जाती है आपके लीव्स में और फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो आपकी बड़ी इफेक्ट हो जाती है, और इससे जो क्रॉप की जो यील्ड है वो आपका 25 to 40% आपकी रिड्यूस हो जाती है। कंट्रोल की बात आती है आपकी, रेजिस्टेंट वेराइटीज हमें जो है ग्रोन करनी चाहिए, अगर ज़्यादा रेनफॉल हो उस एरिया के अंदर आपका तो वहाँ पर जो है हमें इस प्रकार की फसल को पहले जो है शो ऑफ कर देना चाहिए, ग्रोन करना चाहिए। और इन्फेस्टेड जो क्रॉप है उसे हम आपका जो है एंडोसल्फोन से आपका जो है स्प्रे कर सकते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स।